आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं करना चाह तो नहीं रहा था मगर करना पड़ गया। औरत मार्च क्यों जरूरी है? आए बैठते हैं और बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और क्या क्यों नहीं हो रहा। पहली बात है, फेमिनिज्म मूवमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। बेसिकली वो हकूक है औरतों के। औरतों के हकूक का मतलब ये नहीं है कि उन्हें कहीं पे हकूक मिल नहीं रहे या चीज़ें हो नहीं रही। ये सारी फेमिनिज्म मूवमेंट और जो औरतें अपनी आवाज़ उठा रही हैं अपनी आज़ादी के लिए, आप लोगों को शायद आइडिया भी नहीं है कि वो क्या चीज़ है। बेसिकली हमारे मुल्क में अब दो लोग डिवाइड हो जाते हैं, एक जो प्रो फेमिनिस्ट है और एक जो एंटी फेमिनिस्ट है। जो प्रो फेमिनिस्ट हैं, जो फेमिनिस्ट खुद हैं, उन्हें पता है कि वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। जो एंटी फेमिनिस्ट हैं, जो उन्हें बेसिकली एक मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग है, मगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह आई है मैं आपको वो भी बताता हूँ। फेमिनिज़म मूवमेंट का जो को कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो औरतें वॉइस उठा सकें इक्वलिटी के लिए और जस्टिस के लिए, जो बाकी औरतें जो ओप्रेस वुमेन हैं वो नहीं उठा सक रही। अब आप पूछेंगे ओप्रेस वुमेन कौन है और जो क्यों नहीं अपनी वो वॉइस उठा सक रही जब ये सारी औरतें अपनी आवाज़ उठा रही हैं उनके लिए। मैं आपको बताता हूँ, ओप्रेस वुमेन जो होती हैं उनके पास इतने अगर सर्कमस्टांसिस होते हैं कि वो अपने ओपिनियंस वॉइस कर सकती, तो फेमिनिज्म की ज़रूरत ही नहीं थी। मगर फेमिनिज्म का जो बेसिक को कॉन्सेप्ट है वो ये है, इक्वलिटी जस्टिस तो है मगर जो आप लोगों को इस बात का नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। फेमिनिज्म बेसिकली वॉन्ट्स टू पुट एन एंड टू रेप कल्चर। रेप कल्चर नहीं होना चाहिए, फोर्स्ड इंटरेक्शंस नहीं होने चाहिए, यू कैन नॉट हिट अ वुमेन। और ये तो एक कॉमन सेंस की बात है मगर मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल सके कि हम किस डीप सिचुएशन में। यू कैन नॉट हिट अ वुमेन, यू कैन नॉट अब्यूज वुमेन, यू कैन नॉट फोर्स वुमेन, यू कैन नॉट टच वुमेन विदाउट हर कंसेंट। ये सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम में वैसे भी बता दी गई हैं, ठीक है। अगर आप इस्लाम सारे अगर ये सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें इन इश्यूज से गुजरना भी ना पड़ता। बहुत सारी जगहों पर औरतों को फोर्स किया जाता है, उन औरतें चाहती हैं कि अगर और बच्चे ना हो मगर उन्हें फोर्स किया जाता है कि और बच्चे हों। रेप कल्चर बहुत कॉमन होता जा रहा है, उसे छुपाने के लिए हर हद तक कोशिश की जा रही है। ये नहीं कि उसे एक्सपोज किया जाए और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें थी जो कॉमन सेंस भी आपको बताती है, इस्लाम भी आपको बताती है और बेसिक ह्यूमन डिसेंसी भी आपको ये चीज़ बताती है। मगर जैसे लिटरेसी रेट हमारा पाकिस्तान कितना ज़्यादा नहीं है, तो तालीम इतना अपना रोल नहीं प्ले कर सकी आपके मॉरल कंपस को शेप करने के लिए, आपके बेसिक एटिकेट्स आपके मॉरल्स को शेप करने के लिए काम नहीं कर सकी क्योंकि लिटरेसी रेट यहाँ पे बहुत कम है और बहुत जो टॉपिक्स जो खुल के बोलने चाहिए थे वो अब टैबू हो चुके हैं। तो ये सारा बेसिक को कॉन्सेप्ट है आपके फेमिनिज्म मूवमेंट का। अब मसला कहाँ पे आता है मैं आपको बताता हूँ। जिस चीज़ के लिए बात हो रही है ना, जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, जिसके लिए सारा मसला खड़ा हो रहा है, अगर आप उस पर फोकस नहीं करते, ठीक है, और अगर आपने लेफ्ट राइट से सारे एजेंडे उठा के इसके अंदर पुश करने हैं, तो जो ओप्रेस्ड वुमेन है उनके साथ जस्टिस मिलने की बजाय उन्हें और बुरा उनके साथ सलूक किया जाएगा। तो जो जिन लोगों को मैं आगे मुखातिब करने वाला हूँ वो इसके कसूरवार हैं और उन्हें मानना पड़ेगा ये बात। जैसा मुल्क होता है, आपने कहावत सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेस। अगर मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं अगर मैं पाकिस्तान में हूँ ना, तो मैं यहाँ पे हर चीज़ अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। हर कंट्री के हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स हैं, अपने ट्रेडिशंस हैं, अपने कल्चर हैं और वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। ये एक अंडरस्टूड सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई इतना बड़ा फ़लसफ़ा नहीं है। जब आपको पता है कि ये एक इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, जब ये इस्लामिक स्टेट है और इसे आपने उस तरीके से चलना है, तो आप इसमें अपने फॉरेन एजेंडाज नहीं पुश कर सकते। इवन दो मैं इस बात पे नहीं डिबेट करना चाहता कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, मैं सिर्फ उस फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। जब आपको पता है इस्लामिक स्टेट है, इसमें आप LGBT का एजेंडा नहीं पुश कर सकते। अंडरस्टूड सी बात है, बेसिक सी बात है। अगर आप फेमिनिज्म के मूवमेंट में LGBT के अपने एजेंडे को पुश करेंगे, तो जो असल ओप्रेस्ड वुमेन है उनके साथ आप और ज़्यादती करें। पहली बात,
दूसरी बात, वी नीड टू पुट एन एंड टू रेप कल्चर, टू हरेसमेंट कल्चर, टू कैट कॉलिंग कल्चर, इन चीज़ों को हमें ख़त्म करने। अगर इस्लाम की तालीम अगर उनके ऊपर इतना असर करती और अगर इस्लाम उन्होंने सही तरह से पढ़ा होता तो ये सारी चीज़ें इक्वेशन से ही बाहर थी, हम इस बारे में ये वीडियो बन ही ना रही होती। मगर जब उसमें इस्लाम नहीं है, उनके ऊपर बेसिक ह्यूमन डिसेंसी नहीं है, उनके ऊपर सारी चीज़ें नहीं हैं, और अगर हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि ऑनर किलिंग और ये सारी चीज़ें अगर ख़त्म हों, तो वो ऐसे ही होंगी कि आपने जब अपनी वॉइस कर रहे हो ओपिनियंस वगैरह, तो उसमें लेफ़्ट राइट आगे बाकी एजेंडस को आप नहीं पुश कर सकते जो हमारे कल्चर नॉर्म्स के साथ नहीं मैच करते। अगेन मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मगर एक अंडरस्टूड सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे हमें ज़्यादा नहीं पुश करना चाहिए। मगर कुछ लोगों को बात समझ आसानी से नहीं आती, तो इसलिए मेरा ये करना बहुत ज़रूरी था। ऑल मैन आर ट्रैश वाली ये बोलकर ख़त्म कर दें, क्योंकि पर्सनली अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे माँ बाप की इतनी तालीम और इतनी सारी परवरिश, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि थी, कि अगर शुरू से अगर मैंने ज़िंदगी में कोई एक औरत नहीं होगी जो कि कह सकेगी कि मैंने उसे हरेस की, मैंने उसे कैट कॉल की, मैंने उसे स्टेयर की है, अगर मैंने अपने आप को इतना प्रेम एंड प्रॉपर और इतना परवरिश को अपने उसमें रखा, अपने जहन पे रखा, और इन चीज़ों में मैं कभी नहीं आया, तो ऑब्वियसली ये बात मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी कि ऑल मैन आर ट्रैश। ठीक है, चलिए, अगर मैं कभी किसी को देखूंगा कि कैट कॉल हो रहा है उसके साथ, उसके ऊपर अगर वो हरेस हो रही है, तो मैं पर्सनली मैं खुद स्टैंड लूँगा, मैं उसे जाके लड़ूंगा। और हुआ भी कहीं दफ़ा हुआ कि मैंने खुद पर्सनली जाके उसे लड़ाई बनाई है और उसे लड़ाऊँ मैं कि ये नहीं होना चाहिए और ये दोबारा नहीं होगा। इवन लड़ाई तक भी बात गई है, थपड़ों तक भी बात गई है। इफ़ वी आर क्लियर ओवर हियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरे जैसे बंदे को अगर आप कहें कि ऑल मैन आर ट्रैश और ये, और ये आप एक जनरल सोसाइटी में ना एक हेटर्ड फैला रहे हैं टुवर्ड्स मैन। ठीक है, जो हम जैसे बेचारे लोग हैं जिन्होंने कुछ इस तरह नहीं किया कभी, और ऑब्वियसली हर किसी को अपनी बहन मान के उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, तो उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। अब जो शिट जो अनपढ़ लोगों ने की है, उसका हमें भी भुगतान भुगतना पड़ता है, और वो हमें भुगतना नहीं चाहिए। इस तरह क्या होगा कि एक सोसाइटी ऐसी हेट्रेड वाली सोसाइटी बन जाएगी कि औरत मर्द से नफरत करेगी, मर्द औरत से नफरत करेगा, और इसका किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरा पॉइंट था, आई होप इट्स क्लियर। तो डिफरेंट एजेंडास को ना पुश करें, ऑप्रेस वुमेन के लिए बात करें, जो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, हरेसमेंट, रेप कल्चर, विदाउट कंसेंट, ये सारी चीज़ें, इसे हमने ख़त्म करना। और अगर इन केस अगर आपको ये बात सही तरह से समझ आ गई और आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ इस बात को समझें और आगे भी फैलाने की कोशिश करें। थैंक यू।